माननीय मुख्यमंत्री जी 18 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं और 18 वर्षों में उन्होंने एक ही नारा दिया है, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है कि जो समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है उसको आके लागे लाकर मुख्य धारा में शामिल कराना, यही उनका संकल्प था। और इस संकल्प को 18 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर जमीन पर धरातल पर उतार के दिखाने का काम किया है। आप बाकी तो बातें छोड़ दीजिए, समाज के हर तबके के लिए, किन तबकों के लिए क्या किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ताजा बिहार में केंद्र सरकार की इच्छा के विपरीत जाकर सभी दलों के समर्थन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया, और जाति आधारित गणना करा के समाज के जितने तबके के लोग जिस संख्या में थे उसके हिसाब से उनको आरक्षण देने का काम किया। अब आप एक बात जान लीजिए, ये दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं लोग, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, आज तक उन्होंने दलित समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। 2014 में उन्होंने वादा किया, 2014 में उन्होंने वादा किया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष दिए होते तो बिहार के भी दलित समुदाय के 10-20 लाख लोगों को रोजगार मिला होता। एक रोजगार 9 वर्षों में उन्होंने नहीं देने का काम किया। कहे कि 15 लाख रुपए काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे, 1 रुपया काला धन नहीं लाया। उनके पैर के नीचे से इस देश के पूंजीपति काला धन लेके विदेश चले गए। ये है इनका शासनकाल। और आज भी मैंने देखा कल किसी भाजपा के नेता का, वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नई आरक्षण व्यवस्था लागू की है उसको कोर्ट में चुनौती देंगे। आरक्षण विरोधी है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी देने के लिए कृत संकल्पित है। तो इसलिए आपको तय करना है, सजग रहना है और 2024 के चुनाव में भाजपा मुक्त देश का निर्माण करना है, भाजपा को इस देश से बाहर निकालना है और आरक्षण व्यवस्था और जो गरीबों का हक है उस हक को कायम रखना है। यही आग्रह और अपील आज के इस भीम संसद में आपसे करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।